नमस्कार दोस्तों। तो सऊदी अरामको के साथ जो डील होनी थी वो डील ऑलमोस्ट डन हो गई है। मतलब आप मान के चलिए आने वाले 2 से 2 महीने मैक्स होंगे जिसमें ये डील डन हो जाएगी। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है। ये ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि ये डील एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। RECR में तो ये डन होनी थी, ये हम सबको पता है। तो आज इसी के चलते 2200 रुपए के टारगेट पे अचीव किया इसने। तो मैं क्या कहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग अगर 2200 पहुंचा है तो इसका टारगेट आप एटलीस्ट 20% रिटर्न मार के चलिए, तो ये 2600-2700 तक के टारगेट इजिली अचीव करेगा इस साल के एंड तक भी। तो जिस जिसको 20% रिटर्न चाहिए वो इस न्यूज को जरूर देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो मिडल ईस्टर्न एनर्जी फर्म इज डिस्कसिंग परचेज ऑफ रफली 20% स्टेक। तो 20% स्टेक बाय करना चाहती है वो। डील की वैल्यू कितनी होगी? $20 बिलियन से $25 बिलियन। तो 20 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। इतने बड़े अमाउंट को अगर एक बार आ जाए तो इतना तो उनके पास टोटल क्या कहते हैं डेप्थ भी नहीं था रिलायंस के पास, जितने बड़ी डील ये होने वाली है। डेप्थ तो वैसे ही हटा चुके हैं अपने ऊपर से। तो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ये डील बहुत जल्दी होने वाली है। जल्दी मतलब अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले ये डील हो सकती है। ये न्यूज आते ही 2200 रुपए तक के टारगेट को अचीव कर रहा है स्टॉक के ने। और मैं कह रहा हूं कि ये आने वाले टाइम में आपको 3000 रुपए तक के टारगेट इस साल के एंड तक दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक के अंदर बाय कीजिए, आज ये हर एक डिप पे बाय कीजिए। आपके पास जितने भी स्टॉक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे स्टॉक हो सकते हैं, पर ये गारंटीड आपको रिटर्न देगा। आज भी देखिए आपने 41% डिलीवरी हुई है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई जिसमें से 42 लाख शेयर की डिलीवरी हुई है। तो सब लोग माल उठा रहे हैं, आप पीछे मत रहिएगा इसके अंदर। मैं तो कह रहा हूँ अपनी जो पोर्टफोलियो का 15% हिस्सा इसको बना डालिए दोस्तों, और प्लीज इन्वेस्ट कीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।